बच्चन पांडे। बच्चन पांडे का ऑफिशियल ट्रेलर तो आपने YouTube पर देख ही लिया होगा, लेकिन आपको बताना चाहेंगे ये कोई बॉलीवुड की ओरिजिनल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक बार फिर से साउथ का ही रीमेक है। जी हाँ, मेकर्स को साउथ की बनी बनाई स्टोरी मिल गई, थोड़ी सी कास्ट चेंज कर दी और लो जी फिल्म तैयार, बच्चन पांडे। अगर बच्चन पांडे की कहानी की बात करें तो बच्चन पांडे तमिल फिल्म जिगर ठंडा का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, लेकिन डायरेक्टर ने बहुत चालाकी से इसमें थोड़ी सी कास्ट चेंज कर दी है ताकि दर्शक पहचान ना पाए कि ये साउथ का रीमेक है। अगर बच्चन पांडे में थोड़ी सी चेंजिंग की बात करें तो फिल्म जिगर ठंडा का सेतु का कैरेक्टर यहाँ अक्षय कुमार यानी कि बच्चन पांडे कर रहे हैं। फिल्म एक्टर सिद्धार्थ ने जो जिगर ठंडा में कार्तिक का रोल निभाया है, बच्चन पांडे में वही रोल कृति सनन कर रही है, यानी कि मेल रोल को बच्चन पांडे में फीमेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। कार्तिक का दोस्त उरानी का रोल यहाँ पर अर्शद वासी कर रहे हैं। जिगर ठंडा में जो कायल का रोल निभाया है इस फिल्म में वह जैकलिन कर रही है। बच्चन पांडे के अगर ऑफिशियल ट्रेलर की बात करें तो इसके 3 मिनट के ट्रेलर में पूरी फिल्म दिखा दी गई है। बच्चन पांडे के ट्रेलर के सभी कैरेक्टर के बारे में बता दिया गया है। पूरे ट्रेलर में दिखाया गया है कि कहानी कहां से शुरू होगी और कहां पर खत्म होगी, कहां पर कॉमेडी आएगी और एक्शन सीन कहां पर होंगे। बच्चन पांडे में क्यों हीरो एक खतरनाक विलेन बन जाता है ये ट्रेलर में दिखाया गया है, और लास्ट सीन में वही होगा कि विलेन वापस हीरो बन जाएगा। साउथ का ही रीमेक बनाकर बॉलीवुड साउथ को टक्कर देने के लिए जा रहा है। देखते हैं कि फिल्म क्या कमाल दिखाती है। इस ट्रेलर में हमें सिर्फ एक चीज बांध के रखती है, वो है अक्षय कुमार का डेंजरस लुक, क्योंकि अक्षय कुमार अपनी फिल्म को बांध कर रखते हैं। अक्षय कुमार के एक्शन, अक्षय कुमार की कॉमेडी देखने लायक होती है। बहुत से सीन साउथ फिल्म के जिगर ठंडा से चुराए गए हैं, आप उनकी झलकियां देख सकते हैं। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ये फिल्म साउथ की फिल्म को टक्कर दे पाएगी या नहीं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।